आए हैं कैंटन फेयर गुआंगझो चाइना में। अभी हम आपको दिखाएंगे, चैनल पर नहीं है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं देश विदेश से बहुत सारे जो फॉरेनर्स जो बायर है, यहाँ से जो फॉरेनर्स है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो फेयर है उसके लिए यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। जो गार्डन का जो गार्डनिंग करने का जो घास काटने का मशीन रहता है, यहाँ पे ये जो चिमनी देखा ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ से पीछे से खींच रहा है। आप देख सकते हैं जो सिमिलर है। टायर के जो भी है यहाँ पे फैन विथ कूलर। का जो फ्लो है फ्लो से निकल कर आ गया पानी। और नमस्ते दोस्तों, फिर से आप सब लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। राइट नाउ वी आर इन गुआंगझो कैंटन फेयर चाइना। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे हम आपको अलग अलग चीज़ें दिखाने वाले हैं और प्रोडक्ट भी दिखाने वाले हैं जो फेयर में लगी हुई है। तो वीडियो के अंत तक हमारे चैनल में जुड़े रहिए। यहाँ पे मशीनरी टूल्स का बहुत सारा आइटम्स है और फार्मिंग का भी इक्विपमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा जो इक्विपमेंट है, मैटिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारे यहाँ पे। यहाँ पे जो आप देख रहे रोबोट वो है जो गार्डन का जो गार्डनिंग करने का जो घास काटने का मशीन रहता है वो यहाँ पे मैनुअल भी है और ये रोबोट भी इस तरह से काम करता है, एक्यूरेसी से पूरा काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं वो है फार्मिंग इक्विपमेंट और यहाँ पे जो नेक्स्ट है येलो कलर वो है सब पावर टूल इक्विपमेंट और कुछ मशीनरी को छोटे पार्ट्स और छोटे इक्विपमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होने वाले बहुत सारे मशीन भी यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे आप देखो बहुत सारे लोग विजिट करने आए हैं। टोटल 222 कंट्रीज है जो बायर है यहाँ पे चाइना में विजिट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सारे इक्विपमेंट है और यहाँ पे देखो सारे डिस्क यानी कि जो कटर मशीन की जो ब्लेड रहते हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे चलते जा रहे हैं यहाँ पे छोटे इक्विपमेंट यानी कि ट्रैक्टर की तरह जो काम करने वाले इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रास कटिंग मशीन भी है और बहुत सारे अलग अलग वेराइटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये है कटर और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कटर है यहाँ पे। ये जो कैंटन फेयर गुआंगझो में है यहाँ पे ए बी सी डी और इस तरह से चार हॉल में यहाँ पे डिवाइड हुआ है और ना जाने कितना टाइम लेगा ये पूरा घूमने में, हमें भी पता नहीं है। तभी स्टार्ट किया है, घूमते घूमते जा रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी हम ढूंढेंगे, उसके साथ हम जो विजिट कर रहे हैं जो भी स्टॉल हम विजिट कर रहे हैं जो चीज़ हम नहीं आपको दिखाएंगे वो भी आप एक बार देखो। कहीं आपने देखा भी नहीं होगा कुछ चीज़ ऐसी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी है। क्लीनिंग मशीन हमारे बाइक कार भी यहाँ पे इससे क्लीन हो सकते हैं। दूसरा वॉल है वहाँ पे आए हैं, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है व्हीकल स्पेयर पार्ट का जो हॉल है वहाँ पे अभी एंट्री करेंगे हम और अंदर जाके हम दिखाएंगे आपको व्हीकल स्पेयर पार्ट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और कौन सी चीज़ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिल जाएगा जो हमने कभी देखी नहीं होती और हमने कभी यूज़ नहीं की होती। हम ट्राई करेंगे ऐसा कुछ ढूंढने के लिए। अगर ये चीज़ आपने कहीं पे देखी है तो वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ये जो पूरा है वो है ऑटोमोबाइल सेक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो भी सामान है कार रिलेटेड यहाँ पर मिल रहा है। इसके सारे स्टोर लगे हुए थे, एसेसरीज कैटिंग का भी है और छोटे छोटे स्पेयर पार्ट यहाँ पे देखते हैं। लैंप का जो लैंप है
भी तरह के यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जैक वगैरह भी है। टायर के ट्यूब भी है यहाँ पे और है सर्विस स्टेशन के लिए यूज होने का सब सामान यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों ये सेक्शन में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सेक्शन है ऑटोमोबाइल रिलेटेड, यानी कि जो व्हीकल रिलेटेड जो भी स्पेयर पार्ट्स और जो मशीनरी यूज़ होती है यहाँ पे आपको सब मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सर्विस स्टेशन के लिए यूज़ होने वाले या तो फिर पर्सनल यूज़ होने वाले जो व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं वो सारे सामग्री यहाँ पे मिल जाती है। देख सकते हैं आपका लुब्रिकेंट सिस्टम भी यहाँ पे है, यानी कि बहुत सारे लुब्रिकेंट यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नया देखने को मिलेगा, कुछ आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और कुछ नया आइडिया दिमाग में आए तो भी यहाँ पे आप कुछ आजमा सकते हैं। टायर का है यहाँ पे छोटे से लेके बड़े सब तरह के टायर दिख रहे हैं। ये जो है यहाँ पे टायर की रिम है, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कलर में यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से बनाई हुई रिम भी मिलेगी। ये जो सेक्शन है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो व्हील है, यानी कि जो टायर अलग अलग इक्विपमेंट में यूज़ होने वाले, अलग अलग अर्थ मूवर्स में यूज़ होने वाले, कार बाइक सभी व्हीकल्स में यूज़ होने वाला जो टायर है यहाँ पे सब देखने को मिले हैं। तो कुछ ना कुछ अलग टायर भी यहाँ पे हमको देखने को मिला है जो कि हमने पहले देखा भी नहीं था, क्योंकि उसका अल्टीमेट जो यूज़ है वो अलग हो या अलग जगह पे, यानी कि अलग काम के लिए होता है, जो हमारे आसपास और नज़दीक की जो एक्टिविटी में यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टायर है और एक अलग जो टायर है मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जो देखते हैं बड़ा जो टायर है उसका भी कुछ यूज़ अलग है। टायर है ग्लास, सारे प्रकार के ग्लास कार में लगते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। स्टोर कार की केयर करने में जो भी प्रोडक्ट यूज होती है यहाँ पे, ये है कार केयर प्रोडक्ट का स्टॉल। यहाँ पे हर एक प्रकार के कार केयर प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये है स्टॉल कार केयर प्रोडक्ट का। यहाँ पे है जो सर्विस स्टेशन और जो गैरेज चला रहे उसके लिए सारे टूल रखने के लिए यहाँ पे जो दिया गया है ट्रॉली। तो दोस्तों अभी तक ढाई घंटा हो गया है और इतना कवर किया है जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया। इनमें से कोई चीज़ आपके काम की है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका बिज़नेस कौन से प्रोडक्ट रिलेटेड है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। और कुछ नया मिल जाएगा तो मैं ज़रूर ट्राई करता रहूँगा और आपको दिखाऊँगा क्या चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं कैंटन फेयर गोंजो चाइना का, तो आपको भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं, कुछ देखने को नया मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स और आपके बिजनेस ग्रुप में भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी और को भी इसमें से कुछ चीज़ काम आ जाए और कुछ का बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटी नया मिल जाए। तो दूसरों को भी आप ये वीडियो शेयर करें उतना रिक्वेस्ट करता हूँ। चलो भाई यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ मिल गई देखने को, यहाँ पे है सारे तरह के होल्डर्स, कप होल्डर्स और कुछ एसेसरीज है। टैक्सी के लिए भी कुछ ऐसे एसेसरीज यूज़ होती है। तो यहाँ पे इतना बहुत बड़ा मार्केट, यहाँ पे छोटे फैन जो कार में लगाने के लिए अंदर आते हैं वो यहाँ पे, जो अंदर कार में लगाने के लिए छोटे एसेसरीज यहाँ पे देख सकते हैं। हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी और डिफरेंट लाइटिंग की पोजीशन डिफरेंट कलर में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्टर लैम्प्स, एलईडी लाइट्स, कार के बैक लाइट और टेल लैम्प, सारे यहाँ पे लाइट्स अवेलेबल आप देख सकते हैं। बहुत कलरफुल आइटम्स यहाँ पे रहते हैं। आप सब ग्रिल मिलेंगे, बम्पर ग्रिल। ये जो सेक्शन है इसमें कार के फ्रंट और बैक के जो एसेसरीज और जो सिस्टम होते हैं वहाँ पे वो मेजॉरिटी उनका स्टॉल है, बम्पर का और ग्रिल का, टेल लैम्प और हेड लैम्प का।
जो जो कि हम फ्रंट और बैक में वो कार में इस्तेमाल होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की ग्रिल्स भी अवेलेबल है और उसका मटेरियल भी कुछ अलग और यूनिक रहता है। ये सीट कवर का कुछ मटेरियल है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा ये बम्पर ग्रिल है, यानी कि कोई पिकअप और बहुत बड़ा कोई लोडर ट्रक रहता है उसका भी यहाँ बम्पर ग्रिल मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ डिजर्ट में यूज़ होने वाली जो कार रहते हैं उसका भी एक यहाँ पे एक डेमो रखा गया है, जीप कंपनी का है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्शन में ऑटोमोबाइल का पूरा मार्केट लगा पड़ा है। यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे इक्विपमेंट, कोई टूल, कोई स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी वेराइटी, नंबर ऑफ वेराइटी ज़्यादा है। कुछ यूनिक आइटम भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो हमने देखी नहीं होती है और कभी इस्तेमाल भी इसका नहीं किया होता अपने व्हीकल के लिए, तो ऐसी चीज़ें हमको यहाँ पे ज़्यादा देखने को भी मिली है। तो बहुत बड़ा ये मार्केट है ऑटोमोबाइल रिलेटेड, या ऐसे सेक्शन ये है जो ट्रैकिंग करते हैं उन लोगों के लिए, टेंट कार पे लगाने के लिए, और स्टीयरिंग आप देख सकते हैं डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट उसका सिस्टम है, और कवर का भी यहाँ पे देखें सीट कवर भी और सीट तो मटेरियल के साथ और स्पॉन्जी मटेरियल एकदम, तो हमने वो मटेरियल का भी एक बार देखा किस तरह का काम होता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे कार इनर एसेसरीज भी ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है। और थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये है कार को ग्लास में लगाने वाले और बाहर की साइड कोटिंग करने वाले, ये सब यूज़ होते और इस्तेमाल होते हैं। वो है फिल्म और ये सारे लाइटिंग सिस्टम का भी यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है आप देख सकते हैं। तो अभी और हमने एक से डेढ़ घंटा निकाला है और टाइम हो गया है दोपहर के 12:30 चाइना गुंजो में। आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू जो बायर्स है वो आने का जो फ्री फ्लो है वो चालू है। सब लोग देश विदेश से यहाँ पे बाइक करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो हम भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे होता है। और आपके रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो पूरा वीडियो देखें और उसमें से आप रिसर्च करके आगे काम कर सकते हैं। तो और एक दूसरा सेक्शन है वहाँ पे हम जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। मैं अभी ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो ये एलिवेटर में हम खड़े हैं, तो ऊपर से आपको मैं पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। पूरा एसी डोम आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रिमर है, ट्रिमर का भी बहुत बड़ा मार्केट है। डिफरेंट टाइप की यहाँ पे ट्रिमर मशीन मिल जाएगी जो कि हमारे इंडिया में बहुत सस्ते रेट में भी मिलते हैं, उससे सस्ता रेट यहाँ पे भी यहाँ मिल सकता है। आप देख सकते हैं जो हेयर ड्रायर, हेयर ब्लोअर है और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सारे यहाँ पे है। तो आप देखो पूरा वीडियो और आपके चीज़ कुछ काम में आने वाले हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये है जूसर, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनुअल जूसर भी यहाँ पे मिलते हैं और मटेरियल भी उसका इतना अच्छा मटेरियल भी रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक स्टोव, और इलेक्ट्रिक स्टोव में यूज़ होने वाले जो ग्लास है उसका यहाँ पे स्टोव लगा है, वो उसकी कंपनी है वाली। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये है सैंडविच मशीन और डिफरेंट कलर, डिफरेंट मटेरियल और अलग अलग प्रकार यहाँ पे मिलते हैं मशीन। और यह है फिर से केटल, इलेक्ट्रिक केटल। और आगे चलते देखते क्या देखने को मिलता है। फैन, टेबल फैन जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं और अपने ऑफिस में भी कुछ जगह पे इस्तेमाल करते हैं इसका। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया यहाँ पे यूटेंसिल्स किचन में यूज़ होने वाले, और छोटे मोटे फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर है, गार्डनिंग हीटर। हम गार्डन में अगर कोई आउटसाइड एरिया में आप हीटर यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह का हीटर है, आप लगा सकते हो। चलो यहाँ पे आ गया है कलरफुल आयरन विथ डिफरेंट क्वालिटी एंड डिफरेंट पैरामीटर। यहाँ पे देखो बहुत सारी वेराइटी है। हमने देखे हुआ था एक कूलर और ये है फैन, फैन के साथ लगाया हुआ है पानी का स्प्रे, मीन से काम करेगा कूलर के जैसा। नीचे है पानी का टैंक, टैंक से पानी जाएगा और एक कूलर का जो फ्लो है फ्लो से निकल कर आ गया पानी, तो दोनों का काम एक ही होगा। ये नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे ऐसे बड़े कूलर भी होते हैं और ये जो है यहाँ पे इस तरह का भी मिलता है, फैन विथ कूलर। हमारे यहाँ पे जो चिमनी रहता है उसमें जो ऊपर का जो स्मोक निकलता है बर्तन में से हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे ये जो चिमनी देखा ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ से पीछे से खींचता है। आप देख सकते हैं जो सिमुलेशन यहाँ पे इन लोगों ने लगाया है इस तरह का, ऐसा यहाँ पे यहाँ चीज़ नहीं देखने को मिली है, देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टूथब्रश मशीन। चलो और एक काम की चीज़ मिल गई जो लोग
क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हैं उसके लिए आयनिंग का सिस्टम पूरा लगा हुआ है यहाँ पे। देखे डिफरेंट टाइप के जो आयन मशीन है यहाँ पे आपने को आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़े काम का चीज़ है। कार साफ करने का मशीन ऑटोमेटिक चलेगा पावर से पूरा ग्लास देख सकते हैं ग्लास क्लीन कर रहा है पानी भी डालते थे ऊपर से ऐसे देख सकते हैं एयर प्योरीफायर पूरा हर तरह का एयर प्योरीफायर का इधर मिलता है। Different types of air purifier is available here. That's it. Massager है इंडिया का 1100 रुपये के आसपास आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ओवन है और एयर प्योरीफायर है और पीछे इस तरफ आप देखेंगे तो फैन लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह की आइटम भी अवेलेबल है कैंटन फेक गोंजो में। फिर से यहाँ पे आ गया है सैंडविच मशीन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यहाँ पे अवेलेबल है जो यूटेंसिल्स घर में यूज़ होते हैं। और ऐसे वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये था हमारा पहला वीडियो, और दूसरा वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।